Good morning, all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss your sixth chapter. बच्चों आज से हम आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं. सेकेंड टर्म में जो आपका चैप्टर है चैप्टर सिक्स, यहाँ से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट है. तो लेट्स स्टार्ट द पोयम. चैप्टर सिक्स सिंपैथी. सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी दया का दया भाव दिखाना. सिंपैथी इस ये पोयम जो लिखी गई है वो लिखी गई है चार्ल्स मैके. एक बहुत ही फेमस क्या थे, राइटर थे, लेखक थे. तो उन्होंने ये पोयम लिखी है. किसके ऊपर लिखी है? सहानुभूति के विषय में. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आई ले इन सोरो डीप डिप्रेस्ड माय ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर. His looks were cold. He gave me gold, but not a kindly word. Means, I lay in sorrow. Sorrow means दुख. यानी मैं दुख में था, मैं बीमार था. Deep depressed. Deep depressed का मतलब बहुत ही मैं दुखी था. इसमें कवि कहता है, कवि अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं जो है बहुत ही बीमार था, बहुत ही दुखी था और मैं लेटा हुआ था. My grief, मेरे दुख को a proud man heard, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना. यानी मेरा जो दुख था उसे एक proud man का मतलब घमंडी व्यक्ति होता है, उसने सुना. His looks were cold. His looks का मतलब यहाँ पर है दृष्टि. यानी उसकी दृष्टि में दया का कोई महत्व नहीं था. His looks were cold. He gave me gold. Gold में सोना. उसने मुझे, सोना का मतलब यहाँ पर पैसे से है, उसने मुझे कुछ पैसे दिए. यानी मेरे दुख को सुनकर उसने मुझे क्या करा, उसने मुझे कुछ पैसे दिए. But not a kindly word. लेकिन उसने मुझे एक भी kindly word, यानी एक भी दया का शब्द नहीं कहा. उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा, मुझसे प्यार से बात नहीं करी. केवल उसने मुझे पैसे दिए और पैसे देकर वो वापिस चला गया. नेक्स्ट स्टेंजा है माई सोरो पास्ड. आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. मीन्स माई सोरो पास्ड मीन्स गुजरना. यानी जब मेरा दुख जो था वो गुजर गया, जब मैं ठीक हो गया. I paid him back. तो मैंने उसके पैसे उसे वापस कर दिए. जिसने मुझे पैसे दिए थे मैंने उसके पैसे उसे वापस कर दिए. The gold he gave to me. यानी जो पैसे उसने मुझे दिए थे मैंने ठीक होने पर उन पैसों को वापस कर दिया. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Then माने तब, stood erect माने यानी मैं ठीक हो गया, मैं खड़ा हुआ. Spoke my thanks, मैंने उसे धन्यवाद कहा. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. चैरिटी का मतलब होता है दान, यानी दया देना. जो उसने मुझे दान दिया था, दान के रूप में पैसे दिए थे, उन पैसों के लिए मैंने उसे थैंक्स कहा और मैं वापस आ गया. नेक्स्ट स्टेंज है आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन. अ पुअर मैन पास्ड माई वे. ही बाउंड मी हैड my head, he gave me bread, he watched me night and day. means I lay in want, in grief and pain. इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि मैं दोबारे से बीमार पड़ा. grief माने दुख में था, pain माने कष्ट, और मुझे बहुत कष्ट हो रहा था. कवि कहता है इस पैराग्राफ में कि मैं दोबारे से फिर बीमार पड़ा, मैं बहुत दुख में था, बहुत कष्ट में था. A poor man, यानी गरीब व्यक्ति, passed my way, यानी वहां से गुजरा. एक गरीब व्यक्ति वहां से गुजरा. He bound my head, यानी जब उसने मेरी आवाज को सुना तो उसने मेरे सिर को क्या करा, सहलाया. Bound my head का मतलब सहलाना, प्यार से हाथ फेरना, तसल्ली देना. He gave me bread, उसने मुझे खाने के लिए ब्रेड भी दिया. यानी उसने मुझे खाने के लिए रोटियां दी. ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे. वॉच्ड का मतलब होता है देखभाल करना, और उसने मेरी देखभाल की
नाइट एंड डे, दिन और रात, यानी दिन रात उसने मेरी सेवा की, मेरी देखभाल की, जब तक मैं ठीक नहीं हो गया वो मेरे पास रहा और उसने मेरी पूरी सहायता की। नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोयम। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओह गॉड इज ग्रेटर बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। मींस अब समझते हैं इसे, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, यानी मैं उसका एक कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मैं कैसे वापस करूंगा। पैसे होते तो मैं वापस कर देता, लेकिन मैं उसकी इस दया भाव को, इस सेवा को मैं कैसे वापस करूंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, यानी जो उसने मेरे लिए किया है, जो उसने मेरे लिए किया है, इस सेवा भाव को मैं कैसे वापस करूंगा। ओह गॉड इज ग्रेट, यानी गॉड, यानी गॉड का मतलब यहां पर पैसे से है, पैसे महान होते हैं, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन जो दया है, जो सहानुभूति है, वो सहानुभूति पैसे से भी महान होती है। तो इस पोयम में कवि ने यह बताया है कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो वापिस भी हो सकता है, लेकिन जो सेवा भाव है उसे आप कैसे वापिस करोगे। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें दूसरों के लिए प्रेम भाव, सहानुभूति और दया का भाव भी रखना चाहिए, तभी हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसमें एक अमीर व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति ने उसे क्या दिए, केवल पैसे दिए, उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, कोई प्यार का शब्द नहीं बोला। लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, लेकिन गरीब व्यक्ति ने उसके साथ उसे एक अच्छा व्यवहार किया, उसकी देखभाल की, तो वो जो लेखक था वो गरीब व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित होता है अमीर व्यक्ति की अपेक्षा। ठीक है, तो अब आप सभी इस पोएम की रीडिंग करेंगे, कई कई बार इसे पढ़ेंगे, जो इसके भारी वर्ड्स हैं उन्हें आप याद करेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।